नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सच्ची और पक्की न्यूज़ के साथ स्वागत है आपके अपने चैनल द न्यूज़ मोड में। दोस्तों, हजारों न्यूज़ के बीच से आपके लिए आज की 5 मुख्य न्यूज़ लेकर आए हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं ब्रेकिंग हेडलाइंस पर। वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो के अंत में इसी वीडियो की न्यूज़ से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देने वाले को एक अमेजन गिफ्ट वाउचर न्यूज़ मोड की तरफ से दिया जाएगा। सो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले आज की ब्रेकिंग न्यूज़ से। दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा। मोदी बोले, उत्तम चर्चा से लोकतंत्र मजबूत होगा। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, 13 दिसंबर से। इस बार विपक्ष अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात, बेरोजगारी, युवा और किसानों के मुद्दों के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला समेत अन्य कश्मीरी नेताओं की हिरासत के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वैसे दोस्तों, इसके साथ ही सरकार राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बनाने के साथ कॉमन सिविल कोड, नागरिकता संशोधन और ई सिगरेट विधेयक को भी पेश कर सकती है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर इसमें से निकल कर आई है, वो आई है मध्य प्रदेश के मुस्लिम परिवार से, जिन्होंने 121 साल से रखी है उर्दू की श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं कि वो सभी ग्रंथों को साथ में रखते हैं, कुरान और गीता को। 121 साल पुरानी है ये गीता, जिसको रखा है रतलाम जिले के जावरा में कॉन्ट्रैक्टर अनीस अनवर के संग्रह में। ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को बयां करती है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आई है, वो आई है सड़क धंसने से टाइल्स से लदा हुआ ट्रक पलटा, 6 बच्चों की मौत। बिहार की घटना है दोस्तों। जी हाँ, ट्रक पूरी तरह से ओवरलोड था और यह टाइल्स से भरा हुआ था। कहीं ना कहीं करप्शन के कारण ओवरलोड वाले इसको भी वाहन को भी रोड पर चलने की इजाजत दे दी जाती है और उसके कारण इस तरह की घटनाएं सामने आती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अगली खबर निकल कर आई, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के शाहपुर में सोमवार को पाकिस्तान के सीज फायर को उल्लंघन किया, जिसके एवज में भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके अलावा पाकिस्तान सेना ने कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन किया। वैसे किसी भी देश को अपनी सीज फायर को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सभी देश को शांति से रहना चाहिए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आई है गंगा में मंदे पानी की निकासी को लेकर। यूपी सरकार पर लगा 10 करोड़ का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। कानपुर देहात और रनिया में पीना लायक पानी नहीं बचा है। एनजीटी ने कहा है कि चमड़े और अवैध कारखाने और क्रोमियम के ढेर के कारण कानपुर देहात और रनिया में पीने लायक पानी नहीं बचा है। यूपी सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगा है। वैसे यूपी सरकार कहीं ना कहीं शहरों के नाम बदलने पर लगा है, तो कभी रोमियो स्क्वाड के नाम पर लोगों को जबरन मारने के काम में लगी, तो इस तरह के अवैध कारखाने फिर क्यों चल रहे, बुचड़खाने क्यों चल रहे, इन पर काम क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आई है, आज के दिन कल्पना चावला ने स्पेस शटल कोलंबिया से भरी थी उड़ान, अंतरिक्ष में बिताए थे 372 घंटे। जी हाँ दोस्तों, कल्पना चावला एक वो नाम था जिन्होंने भारत में नारी किस हद तक जा सकती है इस चीज को बयां की। और आज दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सांभर झील में 8 दिन में लगभग 17,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई। यह कहीं ना कहीं जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में फैली सांभर झील में पिछले 8 दिनों में लगभग 17,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी। इस घटना के बाद शासन प्रशासन के होश फाख्ता हो गए।